कंसल्टिंग रोल्स की डिमांड तो हाई है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मैं अपने बैचमेट्स की भी बात करूं, आई हैव ऑफन सीन कि बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो लोग इंजॉय करते हैं, अलग अलग कंट्रीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के बारे में सीख रहे हैं, अच्छे होटल्स में रह रहे हैं, पर्क्स भी अच्छे हैं. सो देयर इज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ डिमांड ऑफ दीज रोल्स. बट एट द सेम टाइम कंसल्टिंग कंपनीज बहुत चूजी होती हैं कि वो कैसे कैंडिडेट्स को हायर करेंगे, एंड दे डू लुक फॉर वेरी वेरी स्पेसिफिक स्किल्स इन द पीपल दैट दे वुड वॉन्ट टू हायर. हाई एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम उन टॉप 3 स्किल्स एज वेल एज द कोर्सेज टू एक्वायर दो स्किल्स की बात करेंगे जो कंसल्टिंग की फील्ड में आपको डेफिनेटली एक एज देके जाएंगे. इसमें जो पहला स्किल है दैट इज एमएस एक्सेल. मैंने इस वीडियो की रिसर्च करने के लिए लिंक्डइन पे ही स्पेसिफिकली पूछा था कंसल्टेंट से कि आप कौन से स्किल्स रिकमेंड करोगे अगर किसी पर्सन को कंसल्टिंग ज्वाइन करनी हो. एंड एक प्रोजेक्ट लीड है फ्रॉम बेन हु कमेंटेड सेइंग कि एक्सेल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हर पर्सन को आना चाहिए. ही इवन सेड कि ये स्किल आप ऑन द जॉब सीखते हो, लेकिन जो एडवांस फॉर्मूला होते हैं एक्सेल में उनको इतनी जल्दी ग्रास्प करना ऑन द जॉब थोड़ा टफ हो जाता है. दैट इज व्हाई ही सेड कुछ ऐसे एडवांस फॉर्मूला हैं जो आपको डेफिनेटली पहले से सीख के आने चाहिए. इन रिटर्न मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कौन से एडवांस फॉर्मूला हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं कंपनीज में ताकि आप लोग उनकी प्रिपरेशन कर पाओ. एंड ही शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज फॉर्मूला दैट आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन. इसमें भी उन्होंने कहा कि वी लुकअप और पिवट टेबल आप जितना कम इस्तेमाल करो और जितना अपने एक्सेल को डायनामिक बना पाओ उतना अच्छा. अब ये स्किल आप कैसे एक्वायर कर सकते हो? एक्सेल के ऊपर मैंने पहले एक बार एक कोर्स रिकमेंड किया हुआ है बाय लर्न वर्न. ये हिंदी में एक कोर्स है, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला जो है ना वो उतनी डेप्थ में कवर्ड नहीं है. देन मैंने एक और कोर्स ढूंढा जो यूडेमी पे अवेलेबल है जिसमें एडवांस एक्सेल भी कवर्ड है. एंड इन फैक्ट आई विल शो यू ऑन द स्क्रीन एज वेल. ये जो दो पर्टिकुलर मॉड्यूल आप देख रहे हो ना, ये मॉड्यूल आप डेफिनेटली कवर करना बिकॉज इसमें वो सारे फंक्शंस कवर हो जाते हैं जो उन प्रोजेक्ट लीड ने भी रिकमेंड किए थे. नाउ पर्सनली स्पीकिंग ये कोर्स इवन दो ये अफोर्डेबल कोर्स है, ये बहुत एक्सटेंसिव कोर्स है. लाइक ये बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करता है. तो अगर तो आप कोर्सेज के साथ कंफर्ट हो तो आप इसके ये दो सेक्शंस पर्टिकुलरली पढ़ सकते हो. लेकिन अगर आप वैसे इंसान हो जो इतना लंबा कोर्स नहीं कर सकते जैसे मैं नहीं कर सकती, तो इन दैट केस मैं एक और टूल रिकमेंड कर देती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हो. इट्स कॉल्ड एक्सेल प्रैक्टिस ऑनलाइन. ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसको चाहे आप अपने फोन से यूज करो या लैपटॉप से यूज करो, आप कोई भी एक्सेल फंक्शन को सीख सकते हो लाइव डेमोन्स्ट्रेट होते हुए एंड देन प्रैक्टिस भी कर सकते हो. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उस लिस्ट में एक फंक्शन था कॉल्ड एक्स लुकअप. अब हम उसको यूज करके देखते हैं. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक्स लुकअप का जो फॉर्मूला है पहले वो मुझे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि इसको कैसे अप्लाई करना है. तो मैं देख सकती हूँ कि कहां से सोर्स किया है एंड रिटर्न वैल्यू कहां की आ रही है. अब जस्ट इसके नीचे वो मुझे कहता है कि आप खुद ट्राई करके देखो. तो अगर मैं टाइप करूंगी एंड मैं सिमिलरली सेम फॉर्मूला यूज करूंगी जो मैंने ऊपर होते हुए देखा था, देन आई विल गेट टू नो कि मेरा आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं करेक्ट आ रहा है. सो बेसिकली ये टूल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यही फंक्शंस को सीखने में भी हेल्प करेगा. एंड अगर आप ऑलरेडी एक्सेल के साथ कंफर्टेबल हो देन आई वुड रिकमेंड कि कोर्स की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते हो. द सेकंड स्किल इज दैट ऑफ एनालिसिस एंड सिंथेसिस. सो ये दोनों वर्ड्स काफी रिलेटेड हैं एंड कंसल्टिंग की टर्मिनोलॉजी में ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, खास तौर से सिंथेसिस. सो एनालिसिस का मतलब होता है जब आप किसी भी डेटा सेट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हो, प्रेजेंट करते हो एंड देन एग्जामिन या स्टडी करते हो. लेकिन सिंथेसाइज करने का मतलब ये होता है कि आप काफी सारे अलग अलग पीसेस को जॉट डाउन करके इकट्ठे उससे इनसाइट ड्रॉ करते हो. बेसिकली आप डिफरेंट पार्ट्स को कंप्लीट करते हो इनटू अ होल. जैसे आपको मैं एक रेलेवेंट एग्जांपल देती हूँ. जब आप कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ते हो तो आपने नोटिस किया होगा ना कि अलग अलग पैराग्राफ्स को पढ़ने के बाद आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द समरी और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज. दैट इज बेसिकली डन बाय अ स्किल कॉल्ड सिंथेसाइजिंग. कंसल्टिंग के जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो कभी भी किसी कंसल्टिंग कंपनी को एनालाइज करने के लिए पैसा नहीं देते हैं, वो सिंथेसाइज करने के लिए पैसा देते हैं. एनालाइज करने में तो आपने सिर्फ डेटा को एग्जामिन किया, लेकिन अगर आप उससे कोई इनसाइट्स एक्शनेबल इनसाइट्स ड्रॉ नहीं कर पाए तो उस एनालिसिस का कोई फायदा नहीं है. इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ. इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारे कंसल्टिंग पीपीटीज के एग्जांपल्स मिल जाते हैं जो कि अलग अलग कंपनीज ने यूज की हुई हैं. अब इसमें से मैं एक पीपीटी पिकअप कर रही हूँ और उसकी एक पर्टिकुलर स्लाइड शो कर रही हूँ. अगर आप इसमें ये ग्राफ्स देखोगे ना, यहाँ पे हमने एनालिसिस किया है, बेसिकली हमने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है. ये ग्राफ्स दिखाते हैं कि पॉलिश एज डाइवर्सिटी कैसी है, यानी कि कितने एज ग्रुप में कितने परसेंट लोग हैं एंड ओवर द ईयर्स वो ट्रेंड
ट्रेंड कैसे चेंज होने वाला है. तो ये पार्ट है एनालिसिस का. लेकिन जो राइट साइड पे आप इम्प्लीकेशंस देख रहे हो, दैट इज सिंथेसाइजिंग, यानी कि इससे हम क्या इनसाइट या क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं. ये दोनों ही स्किल कंसल्टिंग में काफी हद तक रोल प्ले करते हैं. और इनको सीखने के लिए जो रिसोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगी, वो पहले तो यही वेबसाइट की अलग अलग पीपीटीज को आप डेफिनेटली चेक करो. इससे आप सीखते जाओगे कि कैसे एनालिसिस और सिंथेसिस किया जाता है. दूसरा रिसोर्स है एक ऐसा कोर्स जो कोर्सेरा पे अवेलेबल है. इस कोर्स का नाम है PwC डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग. लेकिन ये एक स्पेशलाइजेशन का पार्ट है जिसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज इंक्लूडेड है. अब स्पेशलाइजेशन में और कोर्सेज में फर्क होता है, ये डिफरेंस अच्छे से समझना, बिकॉज देन आप कोर्सेरा पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो. कोर्सेरा पे आप कोई भी स्पेशलाइजेशन पे अगर एनरोल फॉर फ्री पे क्लिक करते हो तो दैट डजंट वर्क. लेकिन अगर आप उसी स्पेशलाइजेशन के किसी भी कोर्स पे पर्टिकुलरली क्लिक करते हो एंड देन एनरोल फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, तो वो आपको कहता है कि आप मंथली प्लान लोगे या 3 months के लिए लोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन इसी के नीचे एक ऑप्शन होता है ऑडिट द कोर्स. जब आप इस पे क्लिक करते हो देन यू कैन टेक दिस एंटायर कोर्स फॉर फ्री. इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बट एवरीथिंग वुड बी एक्सेसिबल. सो ये पर्टिकुलर कोर्स इस बारे में बात करता है कि एनालाइज कैसे किया जाता है, कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स हैं जो यूज की जाती है, इन फैक्ट प्रेजेंटेशन में ये चीज कैसे दिखाई जाती है. द थर्ड स्किल इज दैट ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. मैंने कुछ दिन पहले इस चैनल पे एक वीडियो बनाई थी ऑन टॉप फाइनेंस स्किल्स, जिसमें मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ क्रूशियल स्किल इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनीज. इट इज ऑल्सो वेरी ट्रू फॉर कंसल्टिंग कंपनीज, बिकॉज कंसल्टेंट्स अलग अलग कंपनीज को देख के एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी होगी. कंसल्टेंट सिर्फ फाइनेंशियल मॉडल्स ही नहीं बनाते, वो और भी कई तरह के मॉडल्स यूज करते हैं. लेकिन ये सारे टूल्स जनरली एक्सेल में ही बनाए जाते हैं. तो अगर आप फाइनेंशियल मॉडल बनाना सीख लेते हो तो काफी हद तक बाकी मॉडल्स भी आप सीख जाओगे. अब इस स्किल को अगर आपको बहुत एक्सटेंसिवली सीखना हो तो इसके लिए सर्टिफिकेशंस भी आती हैं, जो मैंने फाइनेंस स्किल्स वाली वीडियो में भी मेंशन की थी. लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल मॉडलिंग समझना चाहते हो, अगर आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि फाइनेंशियल मॉडल्स एक्चुअली में कैसे बनते हैं, तो उसके लिए आप यूडेमी पे ये कोर्स ट्राई कर सकते हो. दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता है लेकिन स्टिल आप सीख सकते हो, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी शॉर्ट कोर्स. सो अगर आपको ये स्किल सिर्फ प्रीलिमिनरी लेवल तक समझना हो तो ये कोर्स काफी अच्छा है. अब ये तो हो गए टेक्निकल स्किल्स या हार्ड स्किल्स. कंसल्टिंग में एक और स्किल है जो बहुत मायने रखता है, दैट्स अ बोनस स्किल फॉर यू, विच इज कम्युनिकेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन. इस स्किल के बारे में मैं और रिसर्च करना चाहती हूँ अभी, और ऐसे वेबसाइट्स टूल्स ढूंढना चाहती हूँ जिससे आप इसको इम्प्रूव कर पाओ. अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज डू गिव अ फीडबैक टू मी बाय जस्ट राइटिंग येस इन द कॉमेंट्स, सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियो. आई ट्रूली होप कि ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, एंड अगर लगी हो तो मुझे फीडबैक जरूर देना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस.